भारतीय जनता युवा मोर्चा की गोरखपुर लोकसभा स्तर की बैठक मोहद्दीपुर स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, विशेष अतिथि भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश मंत्री सत्येंद्र नागर के अलावा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष रणजीत राय बड़े, महानगर अध्यक्ष पवन यादव, हिमांशु श्रीवास्तव सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि उपचुनाव में जो भी खामियां रही थीं उन खामियों को दूर करें, मतदान प्रतिशत बढ़ाएं, युवा प्रत्येक बूथ पर जाकर जनसंपर्क करके सरकार की उपलब्धियों को बताएं तथा प्रदेश व केंद्र सरकार के लाभार्थियों से संपर्क करके उनके साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करें। विशिष्ट अतिथि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री सत्येंद्र नागर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है तथा उसके सबसे महत्वपूर्ण अंग भारतीय जनता युवा मोर्चा है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता नव मतदाता संपर्क अभियान, शैक्षणिक संस्थानों में संपर्क अभियान, चाय पर चर्चा, लाभार्थी संपर्क अभियान तथा प्रभात फेरी के माध्यम से अधिक मतदाताओं से संपर्क कर राष्ट्र निर्माण के लिए तथा देश के विकास के लिए भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री सत्येंद्र नागर व उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, जो सहमत है अच्छा है कि आप में से बहुत सारे लोग अधिकांश सहमत एक तिहाई लोग हैं जिनकी उम्मीदवार के साथ सेल्फी हुई है। लेने के लिए हमको कार्यालय नहीं आना है, दाताओं से संपर्क करने के लिए हमको अपना समय दिया जाना चाहिए। अब आप में से जो महानगर के भीतर है, जो महानगर के भीतर निवास करते हैं, वो कितने कार्यकर्ता हैं? ग्राहक नहीं, महानगर के कार्यकर्ता अच्छी संख्या में हैं। तो जिनको बूथ की जिम्मेदारी दी गई है, इस समय बूथ पर संपर्क करने के लिए पार्टी ने आपसे कहा है, वो संपर्क जिनके यहाँ रोज हो रहा है वो जरा बताइए। हाँ बताइए, वो जो तीन लोग उठाए, तीनों के यहाँ हो रहा है, उसके यहाँ भी चार के यहाँ हो रहा है, तुम ही बताओ कै बजे निकलते हैं संपर्क में जो निवास करते हैं। मैं उनसे ये अनुरोध करूँगा कि वो सुबह के समय और निकले, देर से देर 7 बजे तक, आप 9 बजे 10 बजे आप संपर्क बंद कर सकते हैं, क्योंकि वो समय ऐसा हो जाता है कि लोग दुकान की ओर चले जाते हैं, वो समय ऐसा होता है जो पढ़ने के लिए विद्यालयों को चले जाते हैं, या वो समय ऐसा है जो नौकरी पैसे में चले जाते हैं, जो होटल में काम कर रहा है, जो बैंक में काम कर रहा है, और जगहों पर काम कर रहा है। तो हम उस समय जाएं जब लोगों से मिलना हमारा संभव हो सके। सवेरे के समय में नाश्ता, भोजन, स्नान के लिए सब अपने अपने घर पर रहते हैं, हम अपना थोड़ा पहले करेंगे। जैसे आज मुझे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने बोला था कि प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं और एयरपोर्ट पर जाना है तो 9 बजे तक आइएगा, ऐसा जनार्दन जी ने कहा। तो मेरी आदत है थोड़ी देर से चलने की, सवेरे के समय में थोड़ा आपको समय निकालना पड़ेगा। एक तक के विद्यालय समय का साइड करने वाले का सिपाही और फोटो खींच करके लेकर के गया, उसे प्रसन्नता हो। तो आपकी प्रसन्नता अस्थाई रहे इसके लिए जीत हमारे पास जरूरी है और उसके लिए कुल लाभार्थियों से संपर्क किया जाना भी आवश्यक है। इतना ही मैं समझता हूँ कि मुझे आपके बीच देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि भारत एक युवा देश है और लगभग भारत की आबादी का लगभग 60% जो आबादी है वो युवा है। तो ये निश्चित रूप से बात सही है कि युवा ही देश का भविष्य तय करते हैं। तो हम लोग भारतीय जनता युवा मोर्चा गोरखपुर महानगर और गोरखपुर जिले के यहाँ पदाधिकारी इस जो वर्तमान में लोकसभा का ये चुनाव यहाँ चल रहा है, इसमें युवाओं को किस तरह से योजना बना करके काम करना है, उसके लिए एक बड़ी अति महत्वपूर्ण बैठक यहाँ आहूत की गई है। और आज से, जैसे पीछे भी आप देख रहे होंगे कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ता घर घर जाकर के संपर्क करने का काम कर रहे हैं और यहाँ के प्रत्याशी कैसे यहाँ भारी बहुमत से जीतें उसके लिए एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रहे हैं। लेकिन आज के बाद से आप देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से हमें कुछ आगामी कार्यक्रम मिले हैं उसकी एक योजना बना करके हम लोग जमीन पर जाने का काम करेंगे। और आगामी 19 मई को जो मतदान यहाँ गोरखपुर में प्रस्तावित है, उसमें ऐसा परिणाम आएगा यहाँ से कि गोरखपुर देश में नंबर 1 के मार्जिन से इस सीट को हम जीतने जा रहे हैं। पार्टी का एक नारा है, बूथ जीता तो चुनाव जीता,
कितने कार्यकर्ता आपके बूथों का संपर्क? देखिए, युवा मोर्चा ने पहले भी आपने देखा होगा कि पूर्व में युवा मोर्चा की योजना रही एक बूथ 10 यूथ, हमारा हर बूथ पर 10 युवा मुस्तैदी के साथ खड़ा है, कम से कम 10 युवा जो जिसकी हमारे पास सूची है और वो मजबूती के साथ काम कर रहा है, तो हम लोग बूथ जीतेंगे और बूथ पर हमारा फोकस है, बूथ को हम अच्छे से मजबूत कर रहे हैं। देखिए, यह जो उनका मुद्दा है यह उनके घबराहट को जाहिर करता है कि वो कितना भयभीत है भारतीय जनता पार्टी से, कि सब मिल करके कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही मुद्दा है भाजपा को हराना, और भाजपा का मुद्दा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मुद्दा है देश को उठाना, देश को सुखी और समृद्धशाली बनाना, देश को दुनिया की एक शक्तिमान ताकत के रूप में स्थापित करना और देश को विकास, देश में विकास के गति को देना। तो न उनको विकास से मतलब है, न अपने देश से मतलब है, न समाज से मतलब है, सिर्फ उनका इतना संकीर्ण दायरा रह गया है कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको किसी तरीके से हराओ, किसी तरीके से रोको। आज देश की जनता इस बात को समझी हुई है और वह भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ी है और निश्चित रूप से उनको दोबारा प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। धन्यवाद। आज जो है वो सर्वाधिक मतदाता युवा वर्ग के हैं और 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक के मतदाताओं की संख्या लगभग 60% के करीब है, तो उनकी अहम भूमिका इस चुनाव में है और वो युवा मोर्चा के हमारे साथी मतदाताओं को जोड़े जाने के लिए अनवरत प्रयत्नशील हैं और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से वो युवाओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं, उनको आकर्षित कर रहे हैं और बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर नौजवान और युवा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने जा रहा है।